जय श्री कृष्णा। हम आपको एक ढोलक की वीडियो दिखाने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगेगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप हमसे नए नए जुड़े हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, हमारी ये ढोलक की वीडियो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ये वीडियो हमारी 3 गिनतियों में आने वाली है। तो 2 थापी मारेंगे हम इसमें, 1 बंद बेस मारेंगे, यानी 2 थापी और 1 गुम्बद, यानी 2 खुले बेस 1 बंद बेस, इस तरीके से ये ढोलक आएगी। तो देखो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं हम थापी की तरफ। तो देखो, हम ये थापी का हिस्सा होता है चौड़ा वाला और यहाँ भारी आवाज़ होती है। तो देखो हम थापी कैसे मारेंगे, ऐसे 1-2 खुले बेस 1 बंद बेस, 2 खुले बेस 1 बंद बेस, 2 खुले बेस हम इधर मारेंगे किनारी की साइड, ऐसे अंगूठा हमारा इधर रहता है किनारी की तरफ, और गुम्बक यानी बंद बेस हम थोड़ा आगे हाथ बढ़ा के मारते हैं इसमें बीच में, 1-2-3 इस तरीके से हमारी थापी आएंगी बहनों और भाइयों। और देखो ये चाटी का हिस्सा है, ये हमें ये पहचान करनी है इसकी कि ये महीन आवाज़ होती है इसकी और छोटा हिस्सा भी होता है, तो इधर हम चाटी बजाते हैं। तो देखो इधर हम उंगली नहीं घुमाएंगे, इधर हमें खाली है थाप, ऐसे थाप मारनी है सिर्फ, और 2 बार मारनी है केवल। तो देखो 2 थापी के बाद में हम इसको मारेंगे ऐसे, और फिर हम बंद बेस को यानी गुम्बक को मारने के बाद में फिर दूसरा बार ऐसे मारेंगे। देखो मैं बहुत ही सरल वीडियो लेकर आई हूँ, आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपसे बहुत जल्दी आएगी और आसानी से आएगी, इसको ज़रूर सीखें। तो देखो कैसे बजाएंगे, मारने के बाद हम तुरंत बाद मारेंगे इसको। तो देखो कैसे, 1-2-3 1-2-3 तीसरी गिनती हम बंद बेस पर मारेंगे, और इधर हमें कोई गिनती नहीं गिननी, हमें सिर्फ थापी और गुम्बक में गिननी है। तो देखो 2 थापी में और 1 गुम्बक में, यानी 2 खुले बेस में 1 बंद बेस में हमें गिनती गिननी है। तो देखो 1-2-3 से मैं बजा के दिखाती हूँ, देखो कैसे बजेगी। बहुत सी बहनों की मुझ पे कमेंट आती है क्या बहन, हमसे उंगली चलानी नहीं आती है और हमें दोनों का आपस में मिलान करना नहीं आता है। तो देखो इसमें उंगली चलाने की भी बात नहीं है और इसमें बीच में मिलान करना भी नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है पहले हमें थापी मारनी है और फिर चांदी की तरफ सीधा हाथ मारना है ऐसे, इसमें हमें ऐसे उंगली नहीं चलानी। तो देखो बहुत ही सिंपल वीडियो है, आपको ये पसंद आए तो बहनों इसको शेयर ज़रूर करें, बस यही मेरी विनती है। तो देखो शुरू करते हैं फिर दोबारा। फिर हमें बंद बेस के बाद में फिर तुरंत मारना है, ये 2 बार और ये 3 राउंड है, 2 थापी के 1 गुम्बक का, और ये चांदी की तरफ हमें 2 राउंड मारने हैं। देखो 1-2-3 आपको, तो कैसी लगेगी आपको, बहुत ही दोनों हाथ आपको दिखाई दे जाएंगे तो समझ में अच्छे से आएगी।
तो देखो हम दो थापी इधर मारेंगे पहले, एक दो, फिर हम इसको मारेंगे और फिर हम गुम्मक मारेंगे तीन और फिर इसको मारेंगे। तो देखो कैसे मारेंगे, दोनों हाथ चला के दिखाती हूँ। एक दो तीन, 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 एक दो। बहुत ही सिंपल वीडियो है, सिर्फ दो थापिए और दो इधर करना है, एक गुम्मक है, बहुत सरल है। और इसमें हमें चार उंगलियां भी नहीं घुमानी है, सीखतरों के लिए तो बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी सीखेंगे इस ढोलक को। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, इस तरीके से। तो देखो हम फिर से मिलान करके दिखाते हैं आपको। अब हम आपको किसी गाने पर बजा कर दिखाते हैं। तो देखो तो मैं आपको गाना सुनाती हूँ, भजन सुनाती हूँ। नंदी भवन में उड़े रही मिलान करके दिखाई है ढोलक। तो ये ढोलक आपको कैसी लगी और मेरा गाना कैसा लगा, और ये गाना मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है, तो आप भजन भी सुन सकते हो, मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे भजन डाल रखे हैं मैंने, तो एक नज़र उस पर भी डालें, और आपको पसंद आए तो उसको शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।